हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुका है, आज उठ चुके हैं हम। सोनाम छिमी का छमो कोलम तो गाइस उठ चुके हैं। अब जाएंगे फ्रेश होने के लिए नदी पे। उसके बाद तो चलिए चलते हैं नदी पे फ्रेश होते। रात को नींद बहुत अच्छा आया, थोड़ा ठंड ठंड लगा, ठंडी ठंडी हवा आता है यहाँ पे, लेकिन उतना भी ठंड नहीं। तो गाइस अब निकलने वाले, मैं यहाँ से कुछ घी वगैरह लेके जाने वाला, घी चुर के मेरा दोस्त वजन कर रहा है। कसरी उयो हुन्छ यसको, त्यो मिलाएको हुन्छ ए अजीबो गरिब। यसको ढकपल्ला नै बोल्थे, यसको शेरपल्ला बोल्थे। यसको यसका इसमें होता है, ये जो दिख रहा है इसमें आधा केजी, एक केजी ऐसा करके होता है। अभी मैं यहाँ से एक किलो घी लेके जाने वाला हूँ। रेडी हो चुका है और छुरपी वगैरह ये लेके वहाँ पे रख दूँगा, यहाँ पे रख दूँगा, शाम को आके मछली मार के आके इधर से फिर रख के लेके जाऊँगा। हेलो गाइस, तो निकल चुके हैं हम फिशिंग के लिए। अभी जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे तीन है, वो आगे वाला वो दोस्त है मेरा शामिल डुप्पा, और आगे जाके हम जहाँ पे रुका था मेरा वो दोस्त हनोक, वो भी निकलने वाला है। यहाँ से आवाज़ देना पड़ेगा, वो आगे का डाणा में है उधर, वो उस तरफ का पहाड़ में, उसका गोट में। हम सुबह आया था यहाँ पे, सुबह आके इन्वर्टर बैटरी निकाला दोस्त का, वो सोलर में चार्ज किया था वो निकाला, और फिर यहाँ से इन्वर्टर लेके कुछ सामान वगैरह खरीद के वहाँ, अब दिन भर लगेगा टाइम खाना पीना के लिए कुछ अरेंजमेंट करके निकल रहा है अब यहाँ से। और गैस मेन प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने सेल्फी स्टिक लाना भूल गया, नहीं है मेरे पास। और बैग में देखा तो ये एक स्टैंड था, ये मूवी देखने के लिए जो घर में सो के बेड में लगा के ये मूवी देखता है, तो इसको ही उठा के लेके आया। अब इसको ही सेल्फी स्टिक की तरह यूज़ करेंगे। नमस्ते दीदी। तो गाइज सेल्फी स्टिक अच्छा रास्ता है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज फिशिंग के लिए, क्योंकि बचपन से बहुत शौक था मुझे ऐसा कुछ करके, ऐसा करना बहुत। गाइस ये हमारा रास्ता, अब हम यहाँ, मेरा दोस्त वहाँ पे है, वहाँ से गोट दिख रहा है, उसको आवाज़ देना पड़ेगा। आजा मेरा दोस्त उधर से आवाज़ दे रहा है, उधर से निकल रहा है अभी। बन ना पूरी तरह तो हमारा भांजी पड़ सा बोलिए कि उधर से मेरा दोस्त इशारा दे रहा था चलो निकल रहा है बोल के, मैंने भी इधर से इशारा दे दिया निकलो बोल के। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ का लैंग्वेज अलग है गाइस, जैसे कि आप लोग
कल मैंने एक क्लिप शूट किया था, वो भी आगे आपको देखा होगा। वो लैंग्वेज यहाँ पे टुप्पा लैंग्वेज बोलता है, भूटनीस शासोप जोंखा ऐसा बोलता है। मुझे तो उतना याद नहीं आता है, वो लैंग्वेज समझ में भी नहीं आता है। यहाँ का प्राय सब यही बोलते हैं और हम तो नेपाली बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। हिंदी तो आपको मालूम ही है, मेरा एड़ेंग मेड़ेंग सब मिक्स होता है। बंगला तो मुझे 100% आता है। अब बंगला बोलते बोलते आदिवासी साधरे मिक्स हो जाता है, ऐसा होता है मेरा लैंग्वेज। गाइस एक बार उसका भी ब्लॉग बनाऊंगा आपको। गाइस इतना बढ़िया रास्ता है, यहाँ से देख सकते हैं आप। ये यहाँ से होके जाना पड़ेगा हमको। गाइस वो आपको अलग से वो कैमरा चेंज करके एंगल चेंज करके दिखाऊंगा अभी। बहुत ही डेंजरस रास्ता है गाइस। देखो ये जो बारिश होता है बरखा में, उसमें तो ये बहुत ही डेंजरस ऐसा रास्ता होके जाना पड़ेगा। आपको पूरा रास्ता दिखाता हूँ यहाँ का। अभी तो मैं थका नहीं हूँ, जस्ट जर्नी स्टार्ट हुआ है इसलिए मज़ा आ रहा है। अभी थोड़ा उधर जाने के बाद होगा मेरा मिलाई। गाइस वाओ, देखिए गाइस कैसा रास्ता में चल रहा हूँ। ओह माय गॉड गाइस, देख सकते हैं आप यहाँ पे ऐसा रास्ता है। बरखा में जब बारिश का मौसम होता है तब तो बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ का लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाके हमको तो नॉर्मली बोल रहा है कि 4 घंटा लगेगा हमको जाने के लिए, क्योंकि हम तो आदत नहीं ऐसा चलने के लिए। और यहाँ का जो लोकल लोग है वो तो चल के जाता है, उनको तो वो तो बोल रहा है कि 1 घंटा में पहुँच जाएगा, हमको 3-4 घंटा लगेगा। तो उतना दूर तो हम जाएगा नहीं। उसका फिर कभी एक दिन ब्लॉग बनाऊंगा, बक्सा का उसको बोलते हैं आत्मा। और अभी हम जहाँ पे ठहरा हुआ था उसको बोलते हैं तोरी गाड़ी पोखरी ऐसा बोलते हैं। यहाँ का बहुत ही सोच के भी कुछ अजीब लगता है। सोचिए आप इतना दूर से वहाँ से पढ़ने के लिए जाता है, उतना दूर गाड़ी में जाता है, यहाँ वहाँ से पैदल आके यहाँ तक आना पड़ता है, यहाँ से फिर गाड़ी में, गाड़ी का भाड़ा 50 रुपया है, फिर वो वहाँ से जाके कालचीनी उतर लेकर कालचीनी से फिर दूसरा, कालचीनी में उतरने के बाद फिर दूसरा गाड़ी पकड़ के स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा। बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा उन लोगों के लिए। और रास्ता भी ऐसा है, जब बारिश का सीज़न में तो गाइस ये रास्ता तो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि बारिश आता रहेगा, वो तो लैंडस्लाइड होता रहेगा, तो उपाय भी नहीं है बेचारों के पास दूसरा। देखिए गाइस ऐसा रास्ता है, कैसे बच्चे लोग और जो नॉर्मल स्कूल छोटा सा होता है ना बच्चों लोगों का प्राइमरी स्कूल, वो भी वहाँ मेन आत्मा में है। और यहाँ से बच्चे लोग बिना गार्जियन के बच्चे, खुद बच्चे लोग, छोटा छोटा बच्चा, 7 साल 8 साल का बच्चा, ये रास्ता होके गाइस एवरीडे स्कूल अप एंड डाउन करता है एवरीडे। तो सोचिए आप लोग कितना मुश्किल रहता होगा उन लोगों का। और फिर जंगल है, दूसरा एनिमल्स का भी खतरा बना रहता है, जैसे कि ऐसे जगह में भी गाइस हाथी आता है, इलेफेंट आता है, बोल रहा है कुछ दिन पहले 25-26 एनिमल आके यहीं पे रुका था। और क्या वो गोट जो बैठता है वो तोड़ दिया ऐसा कुछ बोल रहा था कल। गोट तो नॉर्मल बना लेगा ये लोग, एक ही दिन में एक ही बार में बना लेता है गोट भी। इन लोगों का अप एंड डाउन होता है, कभी उस साइड कभी इस साइड, क्योंकि सीजन देखिए होता है, बारिश का सीजन में नदी क्रॉस करना नहीं सकेगा तो उधर इधर लाता है, फिर बारिश कम होने के बाद फिर इधर लाता है, ऐसा करके इधर उधर करके, क्योंकि यहाँ का मेन इनकम सोर्स ही वही है। यहाँ का आदमी घी, दही, दाची, छुरपी ऐसा कुछ बना के बिक्री करता है।
भाई जय सरस भाई, मेरा दोस्त लोग जा रहा है आगे आगे, बात करते करते 7 दिन पसु घुम बिहा अन्त 1 महिना कि 1.5 महिना पछि अर्को कुरा सब भाग्यो भनेर अभी आगे जाके रिकर्ड गर्ने वाला हूँ। अभी के लिए बंद कर रहा हूँ क्योंकि रास्ता डेंजर से पकड़ के चलना पड़ेगा। अभी हम फिशिंग के लिए ये बांस काटने वाले सिगरेट पी पी के वो फेंक दिया मैंने। देखो गाइस एक ही बार में काट दिया क्या यार, काटे को इधर जाओ बहुत ही बढ़िया एकदम शानदार जोता ये वही मिल गया। ओह माय गॉड तो मिल चुका है आपको हमारा काटे बना के जो फिशिंग के लिए ऐसा करके बनाना पड़ता है वो बाद में वो आपको दिखाऊंगा बना के। ओ ये मारेगा हमको। तो गाइज अब इसको हम सेटिंग करेंगे, उसका भी वीडियो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को थोड़े देर बाद। ये को तो अब हम हमारा हथियार रेडी करने वाला है। ये बैग तो गाइज पहले भी दिखाया था मैंने कैसे बनाता है इसको, तो बाद में लास्ट मोशन पहले बनाएगा। तो गाइज देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा मिशन इनकम्प्लीट, इन्वर्टर कनेक्शन हो रहा है। ये कनेक्शन करने के बाद गाइस फिर ये हमने ये काटा है अभी जो दिखाया था इसमें लगा के करेंगे शूट। और गाइस रास्ता देख सकते हैं आप आगे, यही रास्ता हो के हम आगे से नदी में जाने वाला है। और मैंने भी एक चलने के लिए बापूजी का डंडा वो ले रखा है, ये बहुत हेल्प करेगा आगे जाके। और एक नेट भी बनाना होता है गाइस, वो भी अब बना रहा हूँ मैं। तो गाइस ये नेट लेके आया हूँ मैं, इसको बनाना पड़ेगा मछली फंसाने के लिए। इसमें लगा के ये सिल्वर का एक तार है वो भी लेके आया हूँ। नेट तो बहुत बड़ा है गाइस, मैंने बड़ा लेके आया, कोई बात नहीं। ऐसे करके लगाएंगे, उसके बाद होगा इसका खेला। आज खेला हो बे दीदी, खेला हो बे, की खेला हो बे आज, खतरा खेला हो बे गाइस। हॉस्पिटल में खेला कर रहा है, हॉस्पिटल में
भेट्यो त्यसले भेन्टिन मैला गरेकोले अनिलले मछली पकड़ने की तरीका उसको बोलता है खुशी बहुत काट दिया मेरा हाथ केकड़ा पकड़ा था एक हाथ काट दिया मेरा वो इधर ही किधर निकल गया पकड़ेंगे उसको मेरा हाथ काट दिया गैस खून निकल रहा है गाडी गाडी नाही आज के खेला अबे गाइस वो खेला अबे डिलीशियस मछलियां छोटा छोटा इसका वीडियो का गाइस वो बहुत दर्द कर रहा है जो केकड़ा ने जो काटा है ना ये ऐसा काटा है बहुत दर्द हो रहा है अभी वो सब इससे उसका फ्रस्ट्रेशन में इस पे गिराऊंगा बाद में आज खेला हो बे सोनम ला आउँदैन नि त गाइस फिशिंग कंटिन्यू है थोड़ा गैप हुआ था पीछे वो मछली छोटा छोटा था इसलिए छोड़ दिया था आगे आके हम निकल रहा है बच्चा बच्चा है ये करेंट लागेको छैन वाओ गाइस बहुत ही बढ़िया शानदार जगह थे हम यहाँ देखिए स्विमिंग करने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है गाइस मछली तो छोटा छोटा है इधर बोल रहा है कि आगे जाने से बड़ा मिलेगा इसलिए हम आगे आगे जा रहा है तो गाइस बहुत ही शानदार इतना अच्छा पानी है गाइस लेट्स सी मैं दिखाता हूँ आपको गाइस ठंड बहुत ही ठंडा है गाइस पानी गाइस डीप भी बहुत है अंदर यहाँ पे बहुत डीप है स्विमिंग करना बहुत अच्छा होगा बाद में करेंगे अभी सब भीग जाएगा फिर आगे जाके फिर एक गांव मिलेगा वहाँ पे फिर हमारा थोड़ा काम है वहाँ पे हमको काम क्या अब यही कुछ पका के खाना वाना बना के खाना पड़ेगा मेरा दोस्त पीछे रेस्ट कर रहा है गाइस देखो नदी क्रॉस है रास्ता से कर रहा हूँ इतना अच्छा बढ़िया प्लेस है गाइस क्या बताऊँ आप सबको
आप कभी आएगा तो देखिएगा स्विमिंग करने के लिए इतना बढ़िया इतना अच्छा जगह है। वाह होगा अभी 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 देखा होगा आपने एक मछली वो क्या करता है उसको जैसे डॉल्फिन करता है ना वैसा कर रहा था। गाइस यहाँ पे श्योर स्विमिंग करेंगे हम थोड़ी देर बाद श्योर। बहुत ही बड़ी मछली देखिएगा मछली देखिए यहाँ पे पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि पानी डीप है नहीं पकड़ सकते यहाँ पे डीप होने के कारण। गाजी ऐसा देखिए ना जी ऐसा मछली ऐसा यहाँ प्रॉब्लम ऐसा होता है कि यहाँ यहाँ लगाने से सपोज यहाँ लगा लेगा मछली ना ऐसा स्पीड में भगा के चला जाएगा पकड़ भी नहीं पाएगा। इसलिए जो नेट बनाया था वो बच्चा उसका नाम है वो मेरा दोस्त का बच्चा जैसे कि मैंने पहले ही बताया था उसका नाम है सोनम डुप्पा। वो बहुत ही एक्सपीरियंस मुझसे भी अच्छा चल रहा है यहाँ पे देखो वो पकड़ रहा है मुझसे देखो जा मेरा दोस्त पकड़ रहा है मछली अभी तो चलेगा थोड़ा आगे चलते हैं। लाग रहा हूँ मेरा दोस्त का थोड़ा हाथ कट गया है वो पत्थर में स्लिप होके केले मछली का जो होता है ना ऊपर वो निकला हो गया क्या बोलते हो उसको वो मछली का जो वैसा दिखता वो उसने घोटिया वो पकड़ रहा है गाइस फिर वाह वे 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 पकड़ी 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 गाइस देखिए बहुत ही बड़ा मछली हाथ में आ रहा है एक देखो ये देखो देखिए गाइस अभी इसका होगा विचार इसको खाएंगे हम आज खिलाओ बे आज खिलाओ व्हील चेयर में बैठ के खिलाओ बे खाएंगे गाइस आज शानदार खाना सोनम करंट लगता इसका नाम है सोनम बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर के भन सोनम सोनम हाँ सोनम छिंगमी का छिमुआ सोनम खाली ओनली सोनम 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 डुप्पा सोनम डुप्पा चलो चलते हैं गाइस थोड़ा आगे शानदार जगह है गाइस। आज के खेला हो बे क्या खेला हो बे गैस मुझे कुछ मालूम भी नहीं खेला हो बे क्या खेला हो बे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। गाना तो गैस मैं ऐसा अच्छा गाता हूँ ना इंडियन आइडल में गया था मैं एक बार गया था सिर्फ एक बार फाइनल वाइनल जीता उसके बाद फिर आके सो गया लेकिन सपने में था वो सब। बहुत शौक है मुझे गाना गाने का लेकिन गाना का जी भी नहीं आता है गाइस लिरिक्स याद है वोकल वॉइस तो मेरा आपको मालूम ही है वो एक क्या होता है वो बोरा होता है चावल का बोरा वो फाड़ दीजिए आप वो टैर करता है ना वैसा ही वॉइस है मेरा। चलते चलते बहुत थक गया वो क्या लग रहा है यहाँ पे। Ooh.